आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर कैसे करेंगे, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पीवीसी आधार कार्ड अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब पर भी आप पीवीसी आधार कार्ड मंगा सकते हैं अपने घर पे। तो पीवीसी आधार कार्ड को ऑनलाइन करने के लिए आपको यूआईडीआई को पेमेंट करना होता है, 50 रुपये, तब है पीवीसी आधार कार्ड अपने घर में मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं एमकेपी गुड टिप्स चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या प्रोसेस होने वाला है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है myadhar.ui.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो इस पेज को स्क्रोल अप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आधार नंबर से मंगा सकते हैं और इनरोलमेंट आईडी से आप ऑर्डर कर सकते हैं पीवीसी वाला आधार कार्ड, यानी कि प्लास्टिक वाला आधार कार्ड। तो चलिए हम यहां पे आधार नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चे को इस बॉक्स में हम इंटर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब पर भी आप पीवीसी आधार कार्ड मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। देखिए, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर, यानी कि मेरा जो है आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। अगर आपका है तो यहाँ पे आप क्लिक नहीं करेंगे। तो मेरा आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जिसमें SMS आ सके, यानी कि जिसमें एक OTP आ सके। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। सारा डिटेल मैंने इंटर कर दिया है। इसके बाद सेंड OTP पे हम क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपका OTP जनरेट सक्सेसफुल हो जाएगा। जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें एक 6 डिजिट का OTP आएगा, तो यहाँ पे इंटर OTP वाले बॉक्स में आप इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन, तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद नीचे में एक आपको सबमिट बटन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर रेसिडेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और टर्म एंड कंडीशन पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो आपको एक पेमेंट 50 रुपये का करना है, तो यहाँ पे आप पेटीएम से भी कर सकते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा जो है पेमेंट यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है, SRN नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेमेंट डेट एंड टाइम देख सकते हैं, अमाउंट देख सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा हमको यहाँ पे इंटर करना है, ये डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका PDF में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि यहाँ पे आपका सारा डिटेल रहेगा, ताकि आप इसी से स्टेटस पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड PVC वाला कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद आप गो टू डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने में कुछ इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ताकि आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ है। तो यहाँ पे इंटर SRN नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके घर पे बाय पोस्ट के द्वारा PVC आधार कार्ड 10 से 15 दिन तक में पहुँच जाएगा।